चलो बच्चे, आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, इसका यूटिलाइज आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम में आता है। यानी जब लैंग्वेज प्रॉब्लम में प्रॉफिट और लॉस का यूज हो जाता है, परसेंटेज का यूज होता है, तो बच्चे नहीं इसके फॉर्मूला जानते हैं तो नहीं बनता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता रहे हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, व्यवहारिक चीज़ है, ये मार्केटिंग का चीज़ है। आप सामान लेने जाते होंगे, उसको खरीदते होंगे, आप खरीद कर कंज्यूमर है तो यूज कर लेते होंगे, लेकिन दुकानदार क्या करता है कि एक होलसेलर से लाता है, फिर वह ला करके फिर बेचता है। तो ये सब व्यवहारिक जीवन में इसका अप्लाई होता है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी शॉपकीपर है लाया होलसेलर से, होलसेलर से लाया तो वो जो खरीदा उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी जितना खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और वह फिर आकर के बेच दिया, किसी कस्टमर को दे दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो इसमें पहला आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी कहा जाता है। कॉस्ट प्राइस का मीनिंग क्या हुआ, जब मार्केट से कोई भी सामान खरीदे उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो इसमें शॉपकीपर होता है कि होलसेलर से लेकर के आता है, उस प्राइस में उसको हम लोग जितने प्राइस में लेके आता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसको सीपी शॉर्ट में कहा जाता है। और वह शॉपकीपर कस्टमर को दे देता है, तो जितना में बेचता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस कहा जाता है एसपी। तो ये समझ गए कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। जो सामान जितने में खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जो सामान जितने में बेचा जाता है उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दो चीज समझ गए। अब जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब मान लें कि कोई शॉपकीपर एक पेन लाया, एक पेन खरीदा, तो खरीदा उसको जा करके पेन जो है खरीदा मान लें कि 10 रुपया, और वह बेच रहा है उसको 15 रुपया, यानी खरीदने का प्राइस है 10 रुपया और बेचने का प्राइस है 15 रुपया। अब खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, दोनों में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो आपका क्या होता है, प्रॉफिट, यानी इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है एसपी माइनस सीपी। देखिए यहां से पता चल रहा है कि कुछ पेन खरीदा शॉपकीपर, पहले 10 रुपया में खरीद के लाया, उसको 15 रुपया में कस्टमर को दे रहा है, इसका मतलब कि 5 रुपया उसको फायदा हुआ। तो यहां पर प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो निकल जाएगा ₹15 माइनस ₹10, तो निकल गया तो हो गया ₹5, ये प्रॉफिट निकल गया। अब इसी में परसेंटेज में निकालना रहता है, तो परसेंटेज निकालना रहता है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट। परसेंट परसेंट निकालना है तो हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी। परसेंटेज में मैंने, हाँ परसेंटेज में होता है आउट ऑफ 100, परसेंटेज में क्या होता है आउट ऑफ 100। अब 100 में से कितना फायदा हुआ, तो प्रॉफिट निकल गया आपको 5, और खरीदा था उसको 10 में सुन कट गया, यानी 50% इसका प्रॉफिट हो गया। यानी वो जो शॉपकीपर है उसको 50% पर इस पेन को बेच दिया। तो ये आपको एक एग्जाम्पल देके बताया जिससे कि दिमाग में चला जाए। तो कहने का मतलब है कि जब एसपी बड़ा होगा सीपी से तो प्रॉफिट होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई सामान को घाटे में भी बेचना पड़ता है। अब कोई सामान लाए बहुत ज्यादा ला दिए, खपत नहीं हो रही है, या फिर सीजन चेंज कर गया, तो ये सब के कारण जो होता है उसको लॉस में बेचना पड़ता है। जैसे कि फैन खरीदा गर्मी में, तो उसको फैन खरीद के लाया। अब जैसे कि फैन का एग्जाम्पल, हाँ देखिए बच्चे, एक फैन का प्राइस है सीपी ऑफ ए फैन तो ₹1500 एंड एसपी ऑफ फैन, एसपी ऑफ फैन ₹1000। हाँ देखिए बच्चे, फैन का कॉस्ट प्राइस मैंने खरीदा 1500 में, इस समर में था, समर सीजन में,
और विंटर में ये बेच दिया। देखिए समर में 1500 में खरीदा था लेकिन उसका सामान नहीं बिका, तो विंटर में जाके 1000 रुपये में बेच दिया। तो इसलिए कि विंटर में तो फैन का यूज होता नहीं है, इसीलिए वो अपना पूंजी 1000 निकाल लिया, दूसरे बिजनेस में लगा देगा जिससे कि उसको प्रॉफिट होगी। तो इस तरह से बिजनेस में होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, कॉस्ट प्राइस हो गया 1500, सेलिंग प्राइस फैन का हो गया 1000। तो इसमें क्या हो गया, सिंस एसपी लेस देन सीपी हो गया, लेस देन सीपी इसको हम लिख सकते हैं, और सीपी ग्रेटर देन एसपी, दोनों एक ही चीज है। तो इस तरह से फैन में कॉस्ट प्राइस हो गया 1500, सेलिंग प्राइस हो गया 1000, एसपी लेस देन सीपी हो गया। तो बताया था कि एसपी सीपी से लेस होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, गेन बराबर होता था एसपी माइनस सीपी, तो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी आ गया 1500 माइनस 1000, ये आपका लॉस आ गया। तो अब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 आ गया, ये लॉस आ गया। अब लॉस निकाल लिए तो लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो परसेंट बोलते हैं कि आउट ऑफ 100 में होता है, इसलिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला बताए थे, लॉस इनटू 100 बाय सीपी। तो लॉस आपको 500 हो गया, 100 और सीपी देखिए कितना है, सीपी आपका 1500 है, तो आप 1500 लिख देंगे, ये 200 200 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी परसेंट। तो 100 बाई कितना हो गया, 3%। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 33.3% हो गया। तो इस तरह से आपका लॉस वाला एक बता दिया। तो लॉस होता है जब सीपी ग्रेटर होता है एसपी से, यानी खरीदे ज्यादा में बेचे कम में, तो ऑटोमेटिक एक लॉस हो जाएगा। कभी कभी बिजनेस में ऐसी होती है, कभी सीजन के कारण होता है, कभी कुछ दूसरे कारण से हो जाता है, माल ज्यादा आ गया मार्केट में, हम कम माल के समय खरीदे, कम मार्केट में सामान था उस समय खरीदने महंगा, फिर मार्केट में बहुत ज्यादा सामान आ गया, तो लॉस में भी कभी कभी बेचना पड़ता है। तो बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। तो प्रॉफिट वाला पहले बताए थे, कि लॉस वाला बता दिए। तो इस तरह से आपका लॉस वाला में फिर से एक बार ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन हो गया 1500, एसपी ऑफ फैन हो गया 1000, एसपी लेस है सीपी से, तो सीपी या सीपी ग्रेटर है एसपी से, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो लॉस इक्वल हो गया सीपी माइनस एसपी। तो रुपीज सीपी था 1500, एसपी था 1000, बता के 500 आ गया रुपीज। तो लॉस परसेंट का मैं बताया था, लॉस इंटू 100 बाई सीपी, तो लॉस हो गया 500 इंटू 100, और एसपी आपका देखिए यहाँ ये आपका एसपी सीपी है, फॉर्मूला में सीपी ही होता है, तो सीपी हो गया 1500, तो कट गया एक, कट गया 3 से, तो 100/3% आ गया, यानी 33.3% आ गया। इस तरह से लॉस लास्ट में हो गया, लॉस इज इक्वल टू 33.3% आंसर, इस तरह से हो गया। ऐसे होता है गेन और प्रॉफिट, गेन को ही प्रॉफिट कहते हैं, दोनों सेम चीज है, गेन और प्रॉफिट सेम होगा, एसपी माइनस सीपी। तो गेन और प्रॉफिट सेम है, गेन का या प्रॉफिट है, दोनों का मीनिंग सेम है, लॉस में सिर्फ लॉस चलता है। तो इस तरह से आपको गेन लिखे या प्रॉफिट लिखे, दोनों एक ही चीज है। अब इसे रिलेटेड देखिए, अगर मान लीजिए कि अब दिया हुआ है डायरेक्ट सीपी दिया हुआ है, तो एसपी का फॉर्मूला लिखेगा सीपी इंटू सीपी प्लस गेन हो जाएगा। अगर इसमें एसपी निकालना, सीपी और गेन दे दिया, तो सीपी प्लस गेन हो जाएगा, यानी जितना मैं खरीदा जितना मैं गेन लिया, और दोनों को जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा। अब सीपी निकालना है तो हो जाएगा एसपी माइनस गेन, ध्यान दीजिए, एसपी निकालना है तो सीपी प्लस गेन होगा, और सीपी निकालना है तो एसपी माइनस गेन हो जाएगा। अब इसी में एसपी निकालना, अगर लॉस दिया हुआ है तो सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, और अगर सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। देखिए दोनों अपोजिट हो जाता है,
यानी गेन में एसपी निकालना तो प्लस होगा, सीपी निकालना तो माइनस होगा, लॉस में एसपी निकालना तो माइनस होगा और सीपी निकालना तो प्लस होगा। इस ध्यान दीजिएगा, ऐसा फॉर्मूला आपको याद रखना है तब तो आगे मैथ बनेगा। अब और फॉर्मूला इसमें निकाल देते हैं, इसी से दिलचस्प फॉर्मूला हो जाएगा। अब एसपी है, अब लिख लो इफ गेन परसेंट दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है, ये दोनों गिवेन है, ये अगर गिवेन रहेगा तो एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100, ये डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर एसपी निकालना है परसेंटेज में गेन दे दिया तो सीपी इंटू 100 प्लस गेन बाय 100, हम लोग गेन को शॉर्ट में जी कहा जाता है और प्रॉफिट को अगर इसको हम लोग गेन लिखेंगे तो गेन को शॉर्ट में जी, अगर प्रॉफिट लिखना है प्रॉफिट दोनों सेम है उसको पी कहते हैं। तो सिंबल हुआ तो एसपी का फॉर्मूला निकालना है सीपी 100 प्लस जी परसेंट बाई 100, तो अगर एसपी निकालना है तो सीपी में परसेंटेज डायरेक्ट इतना को लगा देंगे। अब इसी में अगर सीपी निकालना है तो जाएगा एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला पर लग जाएगा। अब रहेगा इफ लॉस परसेंट, अगर लॉस परसेंटेज है एंड सीपी दिया हुआ है गिवन होगा, तो आपको लॉस को हम लोग शॉर्ट में एल कहते हैं, एल एल लिखेंगे, एल लिखेंगे यानी लॉस, आज जी गेन लिखे थे तो जी लिखे थे, प्रॉफिट लिखे थे पी लिखे थे। अब ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो एसपी निकालना होगा तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस पूरा लिखे, आप लॉस परसेंट एल परसेंट बाई 100 कर देंगे, लॉस को एल कहते हैं शॉर्ट में, या फिर पूरा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लाइए पूरे लिख देते हैं लॉस परसेंट बाय 100। अब देखिए एसपी का हो गया, अब सीपी निकालना रहेगा एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला जितना है बता दें, अगर याद कर लीजिएगा तो आपको कोई भी मैं किसी टाइप का क्वेश्चन होगा आपको आसानी से इससे रिलेटेड बन जाएगा। तो अब इस पर और एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर्मूला को अच्छी तरह से पहले याद कर लीजिए, देखिए फॉर्मूला दिमाग में रखिए जिससे कि आपको मैथ बने। अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं है तो आपको वहीं पर आप फंस जाइएगा कि क्वेश्चन में क्या है क्या पूछ रहा है, उस समझ में नहीं आएगा और बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए फॉर्मूला इतना लिखा दें लॉस प्रोफिट से रिलेटेड, इतना फॉर्मूला याद करिए आप फटाफट लॉस प्रोफिट का क्वेश्चन बनाइए, चाहे कितना टफ हो सब बन जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, फाइंड इफ कॉस्ट प्राइस ₹15 1500 एंड प्रॉफिट इक्वल टू 10% या 15%। देखिए फाइंड एसपी इफ सीपी इक्वल टू ₹1500 एंड प्रॉफिट 15%, माने कोई दुकानदार जो है 1500 रुपया में खरीदा और 15% प्रॉफिट लेना चाह रहा है तो उसको कितना में देते हैं, यही क्वेश्चन है। तो देखिए फॉर्मूला आपको बताया थे, पहले लिखिएगा सॉल्यूशन, पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन देखिए जो दिया हुआ पर लिखिए सीपी इक्वल टू रूपी 1500 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%, ये गिवन है, ये दोनों को ब्रैकेट में डाल दीजिए, गिवन कहाँ गया क्वेश्चन दिया हुआ। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सीपी दे ले प्रॉफिट दे ले, इसे रिलेटेड फॉर्मूला क्या बताया था याद कीजिए, एसपी निकालना है इसके रिलेटेड फॉर्मूला बताया सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट ये ब्रैकेट में आएगा बाय 100, यही होता है एसपी का फॉर्मूला। तो एसपी का फॉर्मूला बताए थे, यहाँ फॉर्मूला लिख दिए, ये फॉर्मूला हुआ, आप सेट कर दीजिए जो दिया हुआ है पुट कर दीजिए,
तो 1500 हो जाएगा इंटू 100 प्लस 15 हो जाएगा बाई 100। अब ये 1500 हो गया इंटू 115 बाई 100, 200 200 निकल जाएगा तो बच जाएगा कितना, इसको इंटू कर दीजिए तो 115 में 15 से गुणा कर दीजिए तो 25 25, 5 2 5 7 5, फिर हो जाएगा 5 1 1, 5 1 8, 5 6 1 7, कितना आ गया, तो देखिए कितना आ गया रुपीज 1725 आ गया। तो देयर फोर लिख देंगे, देयर फोर एसपी इक्वल टू, अब रुपीज लगा दीजिए 1775 रुपया, 1725 रुपया, यानी 1725 रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा, इस पर सेट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन पहले देखिए क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। इसके पहले वाला सिंपल था, सिंपल का सिंपल फॉर्मूला लगाए, यहाँ परसेंटेज दे दिया तो परसेंटेज का लगाएं। इस तरह से आपको आगे बनाना है। तो इस तरह से फिर एक क्वेश्चन बताएं, अब फिर और बता रहे हैं लॉस का, अब दूसरा फिर लॉस को बता रहे हैं। हाँ देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, फाइंड एसपी इफ सीपी इक्वल टू रुपीज 2500 एंड लॉस 10% हुआ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस है 2500 और लॉस उसमें 10% हो गया तो एसपी क्या होगा। देखिए गेन वाला भी बताया, गेन परसेंट वाला, अब लॉस परसेंट का बता रहा है। तो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला हो गया जो बताया, ध्यान दीजिए। तो क्या बताया, याद कीजिए, याद देखिए फॉर्मूला जो पहले पता है, एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का जो बताया है सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस परसेंट बाई 100। तो एसपी हो गया, सीपी हो गया आपको 2500, 100 हो गया लॉस डायरेक्ट 10%, जब डिजिट डालते हैं परसेंट 100 किया गया, परसेंट परसेंट 100 बस बैठ जाता है। अब ध्यान दीजिए परसेंटेज होता है तो 100 हो गया, इसलिए यहाँ परसेंटेज नहीं होगा। 2500 इंटू घट के क्या गया बोलो, 100 में से 10 ज्यादा था, 90 बाई 100। आगे सुन सुन, एक कट गया एक सुन कट गया, होना के 2500 कितना होता है 225, एक जीरो हो गया तो 2250, यानी अब एसपी जो हो गया 2250 रुपया में वो बेच दिया, यानी किसी कारण से लॉस हो गया तो उसको बेचा 2250 रुपया में, खरीदा था 2500 में। तो इस तरह से एसपी निकल गया, सीपी दिया हुआ था। तो ध्यान दीजिए कैसे किए, पहले जो क्वेश्चन था उसमें देख लिए कि सीपी दे रहे लॉस परसेंट दे है, तो उसका फॉर्मूला लिख दिए एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस बाई 100, ये फॉर्मूला हो गया। अब सीपी कितना दे हुआ था 2500 डाल दिए, 100 हो गया, लॉस कितना दल है 10% हो गया, 10 बाई 100, 100 डाल दिए तो परसेंटेज हट जाता है। अब इसको 2500 हो गया, घटा दिए तो 90 हो गया, ये काट दिए तो आपका गुना करने पर इतना आ गया, इस तरह से एसपी निकल गया। तो अब जब सीपी और लॉस प्रॉफिट दिया हुआ था परसेंटेज में तो एसपी निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंट गेन परसेंट देने से सीपी कैसे निकलेगा। फाइंड सीपी इफ एसपी इक्वल टू 3200 एंड प्रॉफिट इक्वल टू 8%। देखिए अब है क्वेश्चन कि सीपी निकालना है, एसपी दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, तो इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिए कैसे बताए थे। अब सीपी का फॉर्मूला, सीपी का फॉर्मूला बताएंगे, सीपी इंटू एसपी इंटू 100, अब आई नीचे हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट ये हो जाता है
तो देखिए एसपी कितना दिया हुआ है, 3200 दिया हुआ है, 3200 इंटू 100 और 100 प्रॉफिट दिया हुआ है 8%। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3200 इंटू 100 बाई 108 आ गए, इसको काटेंगे तो काटेंगे तो कितना से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 2500 आई को काटेंगे 4 × 8 को टोटल 27 आ गया, अब नहीं कटेगा तो अब इसको इंटू कर दीजिए 32 में 25 से, इंटू कर लीजिए 6 × 4 = 8 यानी 1/200 इतना बाई 27। अब देखिए 27 आ गया, इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो यहां पर डाल दीजिए, डिवाइड कर लीजिए तो जाएगा 8000 अब 27 को डिवाइड कीजिए दो बार में 54 6 2 0 अब कटेगा आगे देखिए 9 9 × 6 और 9 × 18 और 6 × 24 9 × 7 = 73 9 × 7 = 63 6 × 3 = 6 और 9 × 18 = 24 ठीक है। अब घटाइए 7 3 आ गया आपका 5 × 4 गया 1 × 6 ऊपर से उतारिए 1 0 अब लगेगा 8 बार में आदमी 14 × 5 आदमी 16 × 5 ज्यादा हो जा रहा है 7 × 14 = 18 ये भी ज्यादा हो रहा है यानी 6 बार में लगाइए 6 × 7 = 4 और 6 × 2 = 12 अच्छा 16 ठीक है 1 1 × 6 हो गया ऊपर से 1 फिर लग गया आपको 2 बार में 0.0 फिर लगेगा आपको 9 बार में इसको डिवाइड कर दिया था यहाँ 2926.96 रुपीज तो देखो सीपी निकल गया। तो आपका ध्यान दीजिए 3200 दिया हुआ था एसपी प्रॉफिट 8% दिया हुआ था तो सीपी निकाल दिए इतना में खरीदा था यानी इस तरह से सीपी निकल जाता है। अब लॉस दे रहेगा तो कैसे बनेगा इसको ध्यान दीजिए कैसे बना। देखिए सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट तो एसपी दिया हुआ है 3200 ये 100 हो गया 100 प्लस 8% आपका प्रॉफिट है तो यहाँ पर 8 डाल दिए कैलकुलेशन कर दिए तो ये कटा सिर्फ बाकी कोई नहीं कटा तो इसको डिवाइड कर दिए तो इतना रिजल्ट आ गया। इस तरह से आपका सीपी निकल गया। अब नेक्स्ट अब सोल्यूशन एसपी दिया हुआ है रुपीज 2200 लॉस दिया हुआ है 10% देखिए परसेंटेज में है तो फिर सीपी निकाल लीजिए तो एसपी इंटू 100/100 + 10 इक्वल टू हो जाएगा 100 + लॉस परसेंट इसका तो कितना है 2200 × 100 ये 100 सीपी है तो लॉस के लिए माइनस होता है माइनस
टेन तो हो जाएगा 100 इंटू 100 बाय 90। अभी सो कट गया, अब हो जाएगा 22। फिर हमें 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 दूनी 18 डिवाइड कर लीजिए लिख करके, 9 दूनी 18 लगेगा, 3 दूनी 4 कैंसिल, 3 9 चौक 36, 3 4 फिर 0, 9 चौक 36, 4 फिर 0, ये सुनकर गया ये सुन गया, हाँ 4 3 4 0 पॉइंट 4 4 आएगा। तो आपका डिवाइड करने पर आ गया 2444.44। देयरफॉर सीपी इक्वल टू आ गया रुपीज 2444.44। इधर से आपका निकल गया सीपी। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन जो बताए सारे टाइप का एग्जाम्पल दे दिए हैं एक एक करके, और उसको आपको ध्यान में रखिएगा तो आसानी से बनते चला जाएगा, और अगर बाद में प्रॉब्लम होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये सब एग्जाम्पल बताए, फार्मूला दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए, सारे टाइप का क्वेश्चन सेट कर दिए, अब इसको बनाइएगा खुद और फार्मूला को याद करिएगा नेक्स्ट टाइम।